खबर यूपी के जनपद चंदौली से, जहां पुलिस हुआ बदमाश के बीच मुठभेड़ में हुए पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी दो अंधेरे के फायदा उठाकर पहाड़ियों के बीच से भाग निकले। सफल रहे पुलिस ने चोरी के एक बोलेरो व एक तमंचा बरामद किया। पुलिस की गिरफ्तार में आए कुख्यात अपराधी के ऊपर लूट, हत्या, डकैत सहित डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा मामला पंजीकृत है। सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। ये मुकद्दस का नाम रफीक नसीरपुर चंदौली का हिस्ट्री सीटर है, अंतरराज्यीय अपराधी है। इसके ऊपर डकैती, हत्या, गौ तस्करी के दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। आज रात 8 तारीख को इंस्पेक्टर और स्वाट टीम चेकिंग कर रहे थे, तो इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी को देख के, पुलिस की गाड़ी को देख के ये गाड़ी लेके भागा, जिसमें सूचना दी गई। इंस्पेक्टर चकिया अहमदाबाद तिराए से नवगढ़ रोड जलेबिया मोड़ के पास ये भागने में फायर करते हुए भागा, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। वहाँ जो वाहन बरामद हुआ है उसमें 4 गौवंश बरामद हुए, इसके पास से 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा बरामद हुआ है। और ये जो वाहन यूज कर रहा था वो कुछ समय 16 तारीख को साहबगंज थाने से चोरी गई बोलेरो थी, अभियोग पंजीकृत किया गया, बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसका अपराधी इतिहास क्या रहा है? इसके ऊपर करीब दर्जन पर अभियोग पंजीकृत हैं यूपी में, बिहार में।